हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप रियलमी एक्स डिवाइस को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। फाइनली यहाँ पर रियलमी की तरफ से रियलमी एक्स डिवाइस के लिए जून मंथ का न्यू अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। अपडेट का वर्जन आप देख सकते हैं, 3.04 आपको मिल जाता है। एंड हमने अपने डिवाइस में इस अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अपडेट के साथ आपको जून का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है। साथ में दो तीन न्यू एप्लीकेशंस ऐड कर दी गई है। और इस अपडेट के साथ अब तक का मोस्ट अवेटेड फीचर डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन, फाइनली न्यू डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन भी ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी एक्स के इसी न्यू अपडेट के बारे में। क्या कुछ चेंजेस आपको इस अपडेट में देखने को मिलते हैं, कौन से बग्स को यहाँ पर फिक्स किया गया है, और ये अपडेट जिन यूजर्स को अभी तक नहीं मिला है तो सभी को ये अपडेट उनके डिवाइस में कब तक मिल जाएगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको रियलमी एक्स में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप MIUI 12 का ये न्यू कंट्रोल सेंटर रियलमी के किसी भी डिवाइस में एनेबल करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। एंड MIUI 12 के कंट्रोल सेंटर के सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, ऊपर आई बटन पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो के बाद आप एक बारी जरूर से इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। रियलमी के सभी डिवाइसेज में ये न्यू कंट्रोल पैनल आप अनेबल कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। दोस्तों, अगर बात करी जाए इस न्यू अपडेट के बारे में, तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में। सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर आप देख सकते हैं अपडेट का फुल वर्जन RMX 1901_11_C.04। ये अपडेट आपको Realme X डिवाइस का मिल जाता है। एंड फीचर्स की अगर हम बात करें तो पूरा चेंज लोग आप डिवाइस का देख सकते हैं। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता है 6/2020 का। एंड हे फन इंडिया, ये न्यू ऐप ऐड कर दी गई है Realme पैसा। एंड दोस्तों, एडिट चार्जिंग एनिमेशन ऑन द लॉक स्क्रीन, तो सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड और भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं अबाउट फोन में, यहां पर आपको 5 जून 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है। एंड्रॉयड 10 के ऊपर आपको ये अपडेट बेस देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको जो डिवाइस है वो रियलमी एक्स डिवाइस देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर लास्ट अपडेट में डॉक वोल्ट ऐप ऐड किया गया था, लेकिन इस अपडेट के साथ दो नई एप्लीकेशंस को ऐड कर दिया गया है। ये है रियलमी का हे फन ऐप, स्पेशली इंडियन यूजर्स के लिए ऐड की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऐप में काफ़ी सारे यहाँ पर गेम्स आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, जैसे हम किसी गेम पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, अभी आप देख सकते हैं गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको लाइव ऑनलाइन गेम्स मिल जाते हैं। अगर आप गेम्स को डाउनलोड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप गेम्स को वैसे भी प्ले कर सकते हैं। रियलमी पैसा, ये न्यू एप्लीकेशन ऐड कर दिया गया है। इस ऐप की हेल्प से आप फ्री में अपना क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन का इंश्योरेंस करा सकते हैं, बिजनेस लोन्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, पर्सनल लोन्स आप ले सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन आपको मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट इस अपडेट के साथ जो लेटेस्ट डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन है वो आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ब्लू एनिमेशन मिलेगी, लेकिन 1-2 सेकंड के बाद ही आपको येलो ऑरेंज टाइप की वूक चार्जिंग एनिमेशन मिल जाएगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए ये न्यू चार्जिंग एनिमेशन आपको कैसी लगी, लास्ट चार्जिंग एनिमेशन के मुकाबले कौन सी आपको बढ़िया लगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज पॉइंट के बाद आपको डेसिमल के बाद आपको परसेंटेज देखने को मिलती है, जो कि यार फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस का फीचर है। ये आपको रियलमी एक्स में देखने को मिल चुका है। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वॉलपेपर्स पसंद आ रहे हैं एंड जो भी अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। 1500+ मेम्बर्स ने ज्वाइन कर लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपको डाउट्स आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। जो भी वॉलपेपर आपको चाहिए मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। और आप डायरेक्टली टेलीग्राम ओपन करके MD टॉक ऑफिशियल रियलमी लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर वापस चलते हैं चेंज लॉग में। यहाँ पर सेटिंग्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। मॉडिफाइड डिफ़ॉल्ट स्टेट ऑफ पावर सेविंग मोड ऑटो ऑफ स्विच, तो यहाँ पर आपका जो बैटरी में आपको जो पावर सेविंग मोड देखने को मिलता है, थोड़ा इसके लेआउट को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे अभी आपको जो नया पावर सेविंग मोड मिलेगा, कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा कि कितने परसेंटेज पर पावर सेविंग मोड को आपको ऑन करना है। कुछ ऐसा आपको थोड़ा लेआउट चेंज देखने को मिलेगा। एंड इसमें कुछ इश्यूज़ थे तो उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर मॉडिफाइड डिफ़ॉल्ट स्टेट ऑफ स्क्रीन ब्राइटनेस रिडक्शन स्विच इन पावर सेविंग मोड। तो दोस्तों, जब आपका पावर सेविंग मोड डिवाइस में ऑन होता है
तो जो आपकी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी एक इश्यू था, तो इसे भी यहाँ पर थोड़ा फिक्स कर दिया गया है, इसको भी थोड़ा मॉडिफाई यहाँ पर कर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट आप चेंज लॉग में यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया है, ऑप्टिमाइज ट्रांसपेरेंसी ऑफ स्लाइड बैक गेस्चर स्टाइल। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग आइकन साइज़। तो दोस्तों जो आपके गेस्चर स्टाइल है, अगर आप बैक जाते हैं तो इनमें कुछ लास्ट अपडेट में कुछ इश्यू था, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली ये काम करता है, कोई भी इश्यू आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला। एंड साथ में जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो आइकन है, जैसे अभी हमने इसको ऑन किया तो ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आइकन आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ इश्यू था तो ये भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। एंड अभी गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ और ऑप्शन यहाँ पर आपका ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं दोबारा इस पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ, जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नया लेआउट आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इस अपडेट के साथ देखने को मिल जाता है। मोर सेटिंग के अंदर जाएंगे तब आपका पूरा यहाँ पर जो लेआउट है वो ओपन होगा। तो गाइस आप कमेंट करके बताइए ये कुछ चेंजेस आपको इस अपडेट के साथ देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों अगली वीडियो आएगी जिसमें हम इस अपडेट का एंटीटू बेंचमार्क स्कोर, कैमरा कैसा यहाँ पर परफॉर्म करता है, कैमरा सैंपल आपको दिखाऊंगा, पबजी की क्या है परफॉर्मेंस, तो पबजी भी हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा, साथ में बैटरी ड्रेनिंग इशू सॉल्व किए गए हैं या फिर नहीं, अपडेट के बाद डिवाइस में हीटिंग इश्यूज़ है या फिर नहीं, तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में चेक करके दिखाऊंगा। तो उस वीडियो का आप वेट कर लीजिए, कल परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे ही अपलोड करूंगा ऊपर आई बटन पर वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है तो आपको इस अपडेट का 3 से 4 दिनों तक वेट करना पड़ेगा, जल्दी ये अपडेट आपको मिल जाएगा। एंड इस अपडेट में और भी थोड़े बहुत फीचर्स ऐड किए गए हैं, तो सारे फीचर्स की जो डिटेल में वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, उसको मैं आई बटन पे अपलोड कर दूंगा। तो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, जरूर से आप इसे चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों ये कुछ चेंज लॉग आपको इस अपडेट में मिल जाता है, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और कमेंट करके बताइए आपको अभी तक ये अपडेट मिला है या फिर नहीं, और इस अपडेट का आपको सबसे बढ़िया फीचर कौन सा लगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।